मेरे जो सीनियर्स थे 1970 से चले थे आ रहे हैं, तेरा दुरुस्त आए। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ 2015 बैच का जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के वक्त पर बोलना, मुद्दत सोचना, मुख्तसर बोलना, यानी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो काम करती है, एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज लोग को आते इसीलिए कि वो बार बार कुछ इंटरफेरेंस वगैरह के सिलसिले में ऐसा कुछ बात होती है, लेकिन हमारा कोई मकसद नहीं है। और मैं ये कहता चलूं कि स्टूडेंट्स है या जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है वो ओल्ड बॉयज ही छोड़ता है आखिर, तो हमारा यही काम है कि ये हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है और जितना हम इसको कर सकते हैं वो बहुत कम है। हमारे से जितनी कोशिश हो सकती हम कर सकते हैं, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं उनकी कुछ मजबूरियाँ होती है जो चाहते हुए भी नहीं कर सकते, तो उसका बीड़ा हम उठा सकते हैं क्योंकि हम ओल्ड बॉयज हैं और हमारे को कोई रुकावट नहीं होती। और हमारी सरपरस्ती सुहेल कादरी साहब जैसे लोग हैं, पाशा कादरी साहब है, मुमताज अहमद खान साहब है, वो लोग जितना ताऊ कर दे सकते हैं वो देते हैं और हम बराबर उनसे काम लेते रहेंगे, जितना हो सकते हम काम करेंगे। और जब भी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन इज रेडी टू हेल्प यू आउट, और क्या कह सकता हूँ, बस इसी के साथ आप जो बुलाए हैं हमारे को फेलिसिटेट करें, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चमक तक खुशबू जजीरों से सितारों की चमक तक सब कुछ है इस शहर में, एक तेरी कमी है। मैं डॉक्टर फारी साहब से मैं अदबन इल्तिमास करता हूँ कि आए हैं और जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अलहम्दुलिल्लाह अब तक तो बखूबी निभा रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो बिल्कुल वो भी जो है अबुल हसन अशरफ के नक्शे कदम पे चलते हुए उस ओहदे को जो खला बन गया था उस खला को पूर करेंगे, पूरा हमको एतमाद है। उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वहाँ के इजलास को मुखातिब। हमारे फंड के लिए मैं काम कर रहा था ज़माने से प्राइवेट प्रैक्टिस पर है, जॉब में नहीं था लेकिन प्राइवेट में बहुत सारा काम करके अल्लाह मियाँ एक मौका दिया कि कॉलेज में काम करने का। इंशाल्लाह मेरा एक ख्वाब है कि कॉलेज में एक एमएस लाना चाहिए, सर्जरी डिपार्टमेंट लाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सर्जरी नहीं है, एमडी एंड एमएस लाने का मेरा एक एम है। इंशाल्लाह इस पर काम कर रहा हूँ, काम करूँगा। बहुत सारी चीज़ों से मालूम करा लोगों से, मैं एमएस कैसा लाना मैं मालूम भी कर रहा हूँ, उस पर काम भी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एमडी एमएस लाने का एक ख्वाब है। इंशाल्लाह एशिया का बड़ा कॉलेज हमारा माना जाता है निज़ाम जनरल वीरानी मेडिकल कॉलेज, लिहाजा हम लोग एमडी एमएस होना बल्कि मैं बहुत ज़माने से देख रहा हूँ, इंशाल्लाह इस पर काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ है, हमारे कॉलेज में बहुत सारे कमियाँ हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, खामियाँ हैं, मतलब फंड्स हैं लेकिन फंड्स अपन यूटिलाइज नहीं कर सक रहे। फंड्स को अपन लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे फंड्स, मतलब डिमांड्स करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो जो कॉलेज के लिए एज ए डेवलपमेंट सोसाइटी मेम्बर हूँ, जो जो फंड्स अपने कॉलेज को लेना है बराबर हर के ताउन से, सुहेल साहब के ताउन से, लाशम अकबर साहब भी बहुत बड़ा हेल्प सर सबको बोलने से, जब काम हो गया, मैं इफ्तार हूँ, मैं जब बैठा हुआ अकबर साहब बैठ के पूरा डिटेक्ट करे हेल्प सर साहब को जॉब्स के बारे में, फंड्स के बारे में, आईडोरी के बारे में, जब सब नोट लिख के इमीडिएट इस पर अमल करे हेल्प सर साहब, तो इंशाल्लाह हर चीज़ अपने जो ऑडिटोरियम का काम है और जो जो भी अपने कॉलेज के फंड जो जो काम है हर चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। जो बिल्डिंग का काम है, जेंट्स का हॉस्टल, जेंट्स के लिए हॉस्टल है, और एक मेरा छोटा सा और एक मैं दिमाग में समझ रहा हूँ, कॉलेज में फंड्स नहीं है, हमारे मलियाँ हैं नीचे कॉलेज की मलियाँ हैं, फिर एक बड़ा लिटिगेशन मसला है, इनको हम इसको हम तो कोई हटाने का नहीं है, हटाने का मतलब ये नहीं है, इनके हमारे वजह से कुछ हमारे बड़े लोगों की कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये मलिए किराया जो सो खुलुदशा को जा रहा है किराया, तो ये खुलुदशा किराया अपन इंशाल्लाह अपन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके ये किराया अपन निजामे भी लेंगे इंशाल्लाह। सुनील साहबी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे इसकी नुमाइंदगी करने के लिए, हम उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं वन सेकेंड बोल रहा हूँ,
कि जो मरिया वाले उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपन, जो लोग हैं उस पर रख लेंगे अपन, वो किराया जो खुद खुद सब जा रहा है वो किराया पर निजामे को लेंगे, वो अगर निजामे किराया गया तो अपने को बहुत सारे फंड, अपने बहुत सारे मसाइल, अपने कॉलेज के हल होते। तो ये काम मैं सोच के रखा हूँ, ये किराया अपने को आया सा, आप लोगों का ताउन भी होना, और एक बच्चों के लिए कैंटीन भी है, कैंटीन के लिए मैं बड़ा काम शुरू करा हूँ, कैंटीन के लिए काफ़ी मैं हैदराबाद के पूरे हॉस्पिटल्स में फिरा, ठीक है, कैसा कैंटीन डालना मैं मालूम करा, क्योंकि हमको तजुर्बा नहीं है कैंटीन डालने का, फर्स्ट टाइम कैंटीन डाल रहे हैं, तो पूरे कैंटीन का कैसा डालने का है, क्या अप्रोच है, कैसा टेंडर देना, कैसा नोटिफिकेशन देना, कैसा पेपर ऐड देना, कैसा कैसा करना, क्या फीस देना, कैसा करना, सब मालूम करा। वो पूरे पेपर्स ला के मैं ऑफिस में दिया हूँ, और पूरे ऑफिस में इंशाल्लाह वो काफ़ी मैडम की ताउन से, कॉलेज वालों की ताउन से, फैज खाली साहब की ताउन से इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। एक बराबर एक बच्चों के लड़कियों के लिए, कॉलेज के लिए बराबर एक कैंटीन डालेंगे, जो जो भी डेवलपमेंट काम है बराबर इंशाल्लाह हम वन बाई वन करेंगे। कॉलेज में बहुत सारे काम है, डेनिज के काम है, बिल्डिंग के बिल्डिंग लीकेज है, वर्षिनी मैडम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे, लीकेज का काम है और बहुत सारे काम है कॉलेज पे अपने होने का, सब इंशाल्लाह वन बाई वन पूरा सबका खैर मुकदम करती हूँ। उन वालिदैन का जिन्होंने इस अजीम शान कॉलेज, जो नामूर और मशहूर कॉलेज एशिया का सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल है, इसमें दाखिला दिलाया है, और यहाँ से जितने भी फारग तहसीन अतिबा हैं वो यहाँ से निकल कर आगे नाम पैदा करेंगे। और इंतजामिया तबी कॉलेज यानी एशिया का बड़ा है और तमाम स्टेट्स में भी इसकी बहुत पहचान है, और ये किस्मत वाले हैं इनके वालिदैन जो यहाँ से अतिबा इनके नूरे नज़र यहाँ से पास करके पास आउट होते जा रहे हैं, अच्छे कामयाब डॉक्टर बनकर और हल्क इंसान को फ़ायदा पहुँचाएंगे। सबसे पहले हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ज़रूरत है कि जिसने हमको सेहत अता सेहत जैसी नेमत अता किया। यूनानी तिब कदीम तहसीब का वर्षा है, हज़ार साल पहले अपनी तशरीह को कायम रखते हुए आज की तरक्की याफ्ता और साइंटिफिक दौर के शानवाशन खिदमत खल्क बहुत अंजाम देते हुए आ रहा है। जदीद तिब हकीकतन तिब की एक दूसरी बदली हुई शक्ल है, तिब यूनानी जो कि इजाफा तक अपनी है और आम की जिंदगी मौसम और माहौल की मुनासिबत से शहर का हिस्सा बन गई है। हैदराबाद दक्कन में आसिफ जाही दौर के आला हजरत मीर उस्मान अली बहादुर आसिफ जा यूनानी तिब की सरप्रस्ती की, जिसकी मिसाल तारीखी दर्जगा निजामिया तिबी कॉलेज है। हुकूमत हिंद ने देसी तिब को तरक्की देकर खुसूसी दिलचस्पी लेकर इनको यूनानी तिब तरीके इलाज में शामिल हुआ करते थे। हालिया अरसे में 50 से 60 हुए, 60 के बाद 63 हुए, उसके बाद अभी हर साल 52 यूजी स्टूडेंट्स को यहाँ हर साल मौका मिल रहा है कि वो अपना तिब्बी कोर्स कंप्लीट करें। और इसी तरह हमारे पास 5 पीजी डिपार्टमेंट हैं, जिसमें गुज़िश्ता 2 साल पहले तक 36 पीजी स्कॉलर्स को मौका मिलता था यहाँ रिसर्च करने का और अपनी एमडी डिग्री कंप्लीट करने का, लेकिन अभी 2 साल से यहाँ पे 9 सीटों का इजाफा हुआ, मतलब अभी पीजी के 5 फैकल्टी में हमारे पास जुमला 45 पीजी लड़के एमडी कर रहे हैं, ठीक है, जरिए अवार्ड भी पा रहे हैं पीजी डिग्री। जो ऑटोनोमस बॉडी थी वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की, गुज़िश्ता साल उसको रद्द कर दिया गया, एक नई कमेटी की तश्कील वजूद में आई जिसका नाम NCISM है, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और जब CCIM के अंदर तमाम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में थे तो सब एक थे, और इसको जो है NCISM तश्कील देते हुए सिद्धा स्वरूपा और यूनानी को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हुए, एक क्लस्टर बनाते हुए इसको अलायदा कर दिया गया, जिसके सदर डॉक्टर जगन्नाथम सर हैं और डॉक्टर जयंत देव पुजारी सर हैं। ये इसको जो है कुछ इसमें चेंजेस लाते हुए नया जो है सिलेबस
अमेंडमेंट किया गया उसको, अभी हालिया दिनों में फर्स्ट ईयर का रिलीज हो गया। क्योंकि फर्स्ट ईयर का कॉपी जो है उसको प्रोविजनल प्रोफेशनल सिस्टम में फिर लाया गया है। पहला साल डेढ़ साल का रहेगा, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप का तो जो मुद्दत है वो तो वैसे ही रखी गई। शहनशील तशरीफ फरमा मोहतरमा डॉक्टर शहजादी सुल्ताना साहिबा प्रिंसिपल निजामिया तिब्बी कॉलेज, मोहतरमा डॉक्टर कविता साहिबा सुप्रिंटेंडेंट, मोहतरम डॉक्टर जैनुल आबिदीन साहब, मोहतरमा डॉक्टर अंजुम साहिबा, मोहतरम डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, मोहतरम डॉक्टर महबूल साहब, मोहतरम डॉक्टर वारिस साहब, मोहतरम डॉक्टर समीर साहब, मोहतरम डॉक्टर लुत्फ अली साहब, मोहतरमा डॉक्टर बुशरा इरफाना साहिबा और तमाम असातिज़ा और तमाम असातिज़ा और तुलबा तालिबात, अस्सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मैं सबसे पहले जितने स्टूडेंट्स जो जश्न मना रहे हैं और आज कॉलेज डे का एनुअल फंक्शन मना रहे हैं, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं। और जितने लोग जो फारिग तहसील हो गए हैं, इसके बाद अमली जिंदगी में जाएंगे ये लोग, मगर जितने कामयाब होकर तुलबा या जो यहां तशरीफ फरमा है, सिर्फ एक आप नहीं बैठे यहां पर, आपके खानदान के तमाम वो फर्द बैठे हैं जिससे आपसे ये उम्मीद लगाए बैठे कि ये मेरी बच्ची इंशाल्लाह मेरे माँ बाप का, मेरे घर का, मेरे खानदान का नाम रोशन करेगी। आज आप सिंगल नहीं बैठे यहाँ पर, आपके छोटे भाई का मुस्तकबिल आपके साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी संवारती है। आज जितने बच्चियां बच्चे जितने आज कामयाब होकर यहाँ बैठे हैं और कल से इंशाल्लाह अजीम अपनी अमली जिंदगी में जाएंगे, मगर आप जो ना आपके खानदान की कामयाबी की मौजूदगी है यहाँ पर, मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं कि जितने लोग कामयाब हुए हैं आप अपना नाम रोशन करेंगे, कॉलेज का नाम रोशन करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दीन का भी नाम रोशन करेंगे, आप ही लोग करेंगे, खिदमत करके दीन का नाम रोशन करेंगे। मैं डॉक्टर अबुल हसन अशरफ साहब की कमी बहुत महसूस हो रही है, वो हमेशा फिक्र में रहते थे कॉलेज की तरक्की के लिए, ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए डॉक्टर अबुल हसन अशरफ साहब बहुत फिक्रमंद रहते थे। साहब ये बहुत सारे मसाइल आप यहाँ पर बयान करे हैं, मंजदे इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ शाना बाशाना रहेगी, मगर एक बात बहुत अच्छी है इसमें, कहीं रुकावट आपको पैदा हो रही है तो मंजदे इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ चल के इंशाल्लाह काम करेंगे। और जो बिल्डिंग का काम है मोहतरमा डॉक्टर शहजादी सुल्ताना साहिबा और मकबूल साहब भी बता रहे थे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुलीन मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौजूद रुकने पार्लिमा हैदराबाद हमेशा पेश पेश रहते हैं। मैं इससे पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, आप लोग आगे बढ़िए, कहाँ रुकावट है बैरिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे, सदर मंजिल साहब से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। जब आप आगे आएंगे उस वक्त यहीं ठहर के बोला था, मैं आप तमाम से गुजारिश करा था कि आप आगे आइए इंशाल्लाह अज़ीम आपके साथ मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो काम रुके हुए इंशाल्लाह कराएंगे, मगर अब आने वाले दिनों में मैं उम्मीद रखता हूं कि सब लोग आएंगे। और खायर ऐवान मुखन्ना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब पिछले जो असेंबली सेशन था उसमें खास तौर से निजामिया तिब्बी कॉलेज का जिक्र करे हैं, उसकी तरक्की के लिए, उसकी बिल्डिंग के लिए, फंड के बारे में मिनिस्टर साहब से बात करें हैं, इंशाल्लाह अज़ीम जो काम रुके हुए हैं अल्लाह चाह तो बहुत जल्द इसका आगाज भी होगा। मैं फिर एक मरतबा तमाम असातिज़ा को और
तमाम जितने तलबा तालिबात है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ के लोग भी खिदमत अंजाम दिए। मनाया जा रहा है आज की रात और आज जो बच्चे अपने टैलेंट है वो दिखाते हैं, इनके पेरेंट्स है, यहाँ कॉलेज के जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं खेल कूद में। आज उनका मतलब इनाम के तौर पर आज उनको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं और तमाम असातिज़ा और जो भी उनके खिदमत हैं उनको भी अवार्ड दिए जाते हैं। और ये फंक्शन हर साल निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में होता है और बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ के बच्चे खुशी और खुशू के साथ ये जश्न को मनाते हैं। और ये जो सालाना जलसा है जश्न के तौर पे ही मनाया जा रहा है जिसमें ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर्स एडवाइजर्स जो स्टूडेंट मकबूल साहब हैं वो बहुत ही मेहनत से कई दिनों से ये काम चल रहा था ये बखूबी अंजाम दे रहा। यहाँ निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में चंद मसाइल तो बहुत हैं, प्रॉब्लम बहुत हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जितने जो वार्ड्स हैं वहाँ पर पेशेंट की कमी है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दवाओं की सप्लाई वगैरह थोड़ा कम है समझिए। लेकिन अलगोरशिनी मैडम हमारे इस साल बहुत ज़्यादा मेडिसिन सप्लाई करने के लिए बजट सैंक्शन किए हैं और डायनेमिक लेडी हैं, उन्होंने तकरीबन मसाइल तो हर करे हैं लेकिन बजट थोड़ा कम सैंक्शन होने की वजह से यहाँ पर थोड़े हर चीज़ के लिए मसाइल पैदा होते हैं। और एक है कि अब एक आने वाला बैच है, ये अब जो काउंसलिंग हुई है न्यू एडमिशन जो हुआ उनके लिए जो फर्नीचर चाहिए वो थोड़ा कम है लेकिन उसका भी हल मैडम बोले कि हम फर्नीचर का अरेंजमेंट कर देंगे। और तो ऐसी कोई बात नहीं है और मैडम हमारे बहुत डायनेमिक लेडी हैं, उन्होंने हर मसला आसानी से और तरक्की निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की तरक्की के लिए अच्छा ही हमारे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और हमको फंड्स भी दे रहे हैं। और इस साल हमारे को थोड़े ज़्यादा ही फंड्स हासिल हुए हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इसके निज़ामिया को तरक्की दें। एसोसिएट प्रोफेसर और इंचार्ज HOD PG डिपार्टमेंट तहफ़ुज़ समाजी तिब और स्टूडेंट्स एडवाइज़र बॉयज़ हॉस्टल का इंचार्ज वार्डन और स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ का जिम का भी मैं इंचार्ज हूँ। तो ये बच्चों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा जो है रोज़ का ताल्लुक रहता है, भले ही वो ईयर्स के बच्चे जो जिनको मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसके बावजूद चूंकि कॉलेज में रहते हैं तो उनका जो खेल कूद का जो भी मामला है उनके जो हॉस्टल के प्रॉब्लम्स हैं और जो तकरीबन जो भी दीगर जो मसाइल हैं तो तकरीबन हम उससे ही डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करता हूं कि उनके तकरीबन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। ये कॉलेज जैसा कि बताया गया कि 1938 से है और हर साल इसका जो एडमिशन 50 था वो बढ़ के अब 92 हो गया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा साल से ये 125 हो जाएगा। तो 125 हर साल UG स्टूडेंट हमारे पास आएंगे और 45 जो है लड़के जो है PG MD डिग्री करेंगे। ये जो कॉलेज डे का जो मामला है क्योंकि बच्चे 5 साल तक यहाँ पे पढ़ते हैं, जुमला 6 साल का वक्त यहाँ पे गुजारते हैं तो बहुत मतलब है कि एक उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा ये हमारे कोर्स में वो गुजार देते हैं। तो बहुत सारे जो दूर दूर से अजला से जो लड़के लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ने आती हैं तो उनमें एक बहुत गहरा रिश्ता 6 साल साथ में रहने के बाद हो जाता है और बहुत ही जो है उनकी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं वो बाहर लाने के लिए हर साल जो है ये कॉलेज डे के फंक्शंस कराए जाते हैं ताकि वो उनको जिसमें दिलचस्पी है कोई बेहतरीन एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है। हाँ कॉलेज में जी कॉलेज में एडमिशन ये तो जुमला 6 साल का कोर्स है, 5 साल BUMS था, अभी थोड़ा ये बदल गया है, 4.5 साल का हो गया, प्रोफेशनल वाइज हो गया है, नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होगा और 1 साल तो इंटर्नशिप आपको कोई भी हॉस्पिटल में आपको काम करना है। इस हिसाब से जो है पूरे 5.5 साल लगेंगे, पहले 6 साल लग रहे थे, 6 महीने जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसको तख़फीफ की है। और इसका तरीका जो एडमिशन लेने का है वो है पहले तो जो है बमसेट एक टेस्ट हुआ करता था, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन उसको अब ऑल इंडिया लेवल पे जो है हो रहा है नीट के जरिए इसका एडमिशन होता है। जैसे कि नीट में सब टॉप रैंक कर रहेंगे वो पहले MBBS एलोपैथी साइड भर्ती होंगे, BDS होंगे, आयुर्वेदिक होंगे, होम्यो होंगे, यूनानी होंगे, सिद्धा होंगे, नेचुरोपैथ में होंगे। तो यही क्राइटेरिया है, सारे मेडिकल कोर्सेस जो बैचलर डिग्री करना है उनके लिए नीट लाजिम है और इंटरमीडिएट 10+2
विद बाईपीसी साइंस ग्रुप के साथ इंटरमीडिएट करना लाजिम है, तभी वो अहल है नीट लिखने के। और नीट में जो रैंकर है 750 नंबर का ये रिंक पेपर होता है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं। लास्ट ईयर हमारे पास जो है 362 नंबर पे हमारा रैंक रुक गया था, तो आउट ऑफ 750 जो लड़के लड़कियां ओपन कैटेगरी में 362 नंबर लाए उनका एडमिशन हुआ है, उससे कम के लोगों को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला है। और ये हमेशा जो है ये अप डाउन होता है, एक 0.5 मार्क्स में जो है कई सीट नीचे ऊपर हो जाते हैं, और ये जो है परसेंटाइल के ऊपर जो है इसका एडमिशन होता है। उसी तरह से जो पीजी एडमिशन होता है हमारी कॉलेज में, ये जो है 5 फैकल्टी में होता है, और इसके लिए ऑल इंडिया ये पीजी सेट ऑल इंडिया कॉमन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये भी जो है पूरे हिंदुस्तान का एक ही टेस्ट होता है। और इसी के जरिए इसी में रैंकर जो है पहले एलोपैथी साइड के सीट भरे जाते हैं, उसके बाद फिर आयुर्वेदा यूनानी होम्यो के भी सीट जो है उसी टेस्ट के जरिए भरे जाते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड ये बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट है, यहाँ से जो है बिल्कुल भी जो है कोई डोनेशन का मामला नहीं रहता, गवर्नमेंट फीस के जरिए यहाँ पे जो है सब एडमिशन होते हैं। और पूरे जो है जितने भी यहाँ पे बच्चे आते हैं फैकल्टीज सारे के सारे लड़के जो है टैलेंटेड होते हैं, इसलिए कि ये जो ऑल इंडिया टेस्ट लिख के जो है अपने आप को प्रूव करके यहाँ आते हैं, तो इनकी तरबियत और इनको आगे बढ़ाने के लिए हमको टीचरों को उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि मतलब किंडर स्कूल लेवल में जितनी मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ के ऑलरेडी जो है लड़के लड़कियाँ जो है लॉन्ग टर्म कोचिंग लेके 1 ईयर लॉन्ग टर्म लेके 2 ईयर दो साल तक लॉन्ग टर्म लेके कोचिंग लेके अपने आप को प्रूव करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपने आप को मनवा के उसमें जो है बेहतर परफॉर्म करके ज्यादा से ज्यादा नंबर लाके यहाँ एडमिशन लेते हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेरे खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।